Hello children, today we will start a new chapter. Chapter number 1, the ant and the grasshopper. यहाँ हम पढ़ेंगे एक चींटी और एक टिड्डे की स्टोरी. In a garden, there lived an ant and a grasshopper. एक बगीचे में चींटियाँ और टिड्डे रहते थे. Who were very good friends. वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे. It was spring time and the grasshopper was having a lot of fun playing and singing in the sun. बसंत का मौसम था और जो टिड्डा था वो उस टाइम अपना खेल रहा था, डांस कर रहा था, गाना गा रहा था. बट द आंट वॉज हार्ड वर्किंग. बट जो चींटियाँ थी वो बहुत मेहनती थी. She was collecting food, grains and storing them in her house. वो लोग food collect कर रहे थे और अपने घर में store कर रहे थे. Okay, the grasshopper did not understand why the ant was doing so and said. जो टिड्डा था वो ये समझ नहीं पा रहा था कि चींटियाँ ऐसा क्यों कर रही हैं. तो वो उनसे बोला, ant, why don't you come outside and play with me? क्यों नहीं तुम मेरे साथ आकर बाहर खेलो. तो चींटियों ने reply किया कि आई कैन नॉट, हम नहीं खेलेंगे. आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर. ओके, उन लोगों ने कहा कि हम लोग सर्दी के लिए फूड इकट्ठा कर रहे हैं. ओके, तो चींटियाँ बोली कि जब सर्दी आएगी उस समय हमें खाने को नहीं मिलेगा, तो हम अभी से फूड को स्टोर कर रहे हैं. फिर द ग्रास होपर ओनली लाफ्ड एट द एंट एंड सैड. जो टिड्डा था वो चींटियों पर हंसा और बोला, Why are you worrying now? तुम लोग अभी से चिंता क्यों कर रहे हो? There is plenty of food. यहाँ बहुत सारे खाने को चीज़ें हैं. And continue to play. ये सब बोलकर वो फिर से खेलने लगा. While the ant worked hard. जो ant लोग थे वो अपना काम करने लगे. When winter came, जब ठंड आई, the grasshopper did not find a single grain of food to eat. जब ठंड आई तो जो टिड्डा था उसे एक बूंद भी खाने को नहीं मिला. It began starve and feel very weak. वो बहुत भूखा और बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा. The grasshopper saw how the hard working ant had plenty of food to eat. तो टिड्डा सोचा कि इतने मेहनत की इन चींटियों ने कि इनके पास भरपूर खाना है, बहुत सारा खाना है खाने को. He went to the ant and asked for some grain. फिर वो चींटियों के पास गया और खाने के लिए कुछ मांगा. फिर चींटियों ने कहा, No, you don't स्टॉक अप फूड इन द समर. तुम तो गर्मी में फूड स्टॉक नहीं किए. यू शुड हैव सेव्ड फूड इंस्टीड ऑफ डांसिंग अराउंड. तुम्हें जब फूड स्टोर करना था तो तुम अपना डांस कर रहे थे, उसके बजाय तुमने मस्ती की, डांस किया. गो अवे नाउ, उन्होंने बोला तुम जाओ यहाँ से, यू लेजी ग्रासहॉपर. ओके, तो हमें इसे क्या सीख मिली, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इट इज़ द बेस्ट टू बी श्योर You are prepared for the time when you will need something. इसका मतलब है यह सुनिश्चित करना सबसे अच्छा है कि आप उस समय के लिए तैयार हैं जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी. ओके?